हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो दोस्तों, हम आ गए हैं आपके सामने लाइव और आज हमारा सेमिनार है। आज का टॉपिक दोस्तों है डाइजेशन। डाइजेशन आपका पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग इसको। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे कि क्या होती है ये, क्या बीमारी है, कैसे होता है, राइट? और एज यूजुअल आपके डाइजेशन के ऊपर सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, राइट? आप देख ही रहे हैं रोज के हमारे सेमिनार हो रहे हैं। आज का सेमिनार का टॉपिक बहुत बढ़िया, सत श्री अकाल सबको, हेलो एवरीवन, राइट? सो डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बीमारियां होती हैं, डाइजेशन सिस्टम है क्या? देखिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है आपके शरीर में। खाने पीने की एक आपकी ग्रंथियां हैं, आपका मुंह है, आपका फूड पाइप है, उसके नीचे लेफ्ट साइड में आपका एक स्टमक है, स्टमक के नीचे एक 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, नीचे एनस है। तो ये सारे सिस्टम का काम क्या है? काम सिर्फ इतना है कि जो भी खाना खाएं आप, जो भी खाओ या पियो, उसको तोड़ के, उसको छोटा छोटा करके, छोटे छोटे पार्ट्स में करके, अंदर जाके उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सबको तोड़ के आपके खून के अंदर पहुंचाना, ताकि आप अपने सारे जीवन के जितने भी काम हैं, जितने भी कार्य हैं, वो कर सके, राइट? इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन देता है आपका डाइजेशन, आपकी पाचन तंत्री। पाचन तंत्र खराब है, पाचन अच्छा तो सब अच्छा, सुना होगा ना आपने ये सब चीजें। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इसमें? बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर को, हर एक इंडिविजुअल सेल को, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को जो एनर्जी होती है वो यहीं से मिलेगी। एनर्जी यहीं से आ रही है, कोई धूप से तो हम जादू तो है नहीं, जादू धूप से एनर्जी मिलेगी नहीं, तो हमें खाएंगे पिएंगे तो एनर्जी मिलेगी। सो एनर्जी यहीं से आती है, इसलिए इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम हो आपको हो जाती है दिक्कत, और ज़्यादा दिक्कत, राइट? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप में दिक्कत हो जाए, स्टमक में हो जाए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके साथ दो और चीज़ें जो जरूरी हैं इसके साथ जुड़ी हुई, एक है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में दिक्कत हो जाए, क्योंकि आप जो भी फैट खाते हो, जितना भी फैटी चीज़ें खाते हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम लगती है, पदार्थ लगता है, बाइल, जो आपका पेनक्रियाज बनाता है, और ये बाइल जाके जुड़ता है, मिलता है पेनक्रियाटिक लाइपेज अमाइलेज के साथ। पेनक्रियाटिक लाइपेज अमाइलेज, बाइल एसिड, ये पूरे चीज़ें बन के वहाँ, तो यही बेसिक, ये पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और इनका भी बीमारी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है, राइट? सो अगर मान लो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम, ये तो दूर की बात है, बात की बात है, पर प्रॉब्लम हुई तो आपको दिक्कत क्या होगी, राइट? आपके पाचन तंत्र सही काम नहीं कर रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे सबसे पहले जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम होती है वो है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग यानी आपका पेट जो है फूला फूला लगता है, ऐसा लगता है गैस सी भर गई है, ऐसा लगता है खाना वहीं वहीं अटका पड़ा है, या यहाँ पर इनडाइजेशन सा होता है, ऐसा लगता है स्टमक में गैस भरी, इनडाइजेशन कह लो, ब्लोटिंग कह लो। ये बात याद रखिए, इनडाइजेशन पे अलग से एक वीडियो आएगा जो पूरे डिटेल में समझाएगा, यहाँ हम पूरा टॉपिक सेमिनार वाइज आपको समझा रहे हैं। ब्लोटिंग इनडाइजेशन का सबसे सबसे मोटा कारण है कि आपके स्टमक में जो, या आप जो खाना है वो खाना ठीक से चबा नहीं रहे, ठीक से चबा के नहीं खा रहे, तो स्टमक में वो ज़्यादा देर उसको चर्निंग होने को, गैस ज़्यादा बनती है, दिक्कत ज़्यादा, राइट? बेसिक चीज़ है, आप सही से नहीं खा रहे, या फिर कोई ऐसी चीज़ खा रहे जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन है, जिसके आपको बॉडी को आदत नहीं है, और वो चीज़ फिर पहले पहले ब्लोटिंग करती है। फिर दूसरी सबसे कॉमन चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। ब्लोटिंग के बाद कई चीज़ें होती हैं, वैसे तो गैस होती है, दिक्कत होती है, जैसे अब फूड पाइप है, फूड पाइप में जलन हो सकती है, फूड पाइप है, कॉन्स्टिपेशन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले तो जलन हो सकती है। इवन मुंह से शुरुआत करें तो मुंह में छाले हो सकते हैं, आपको यहाँ से छाला हो, आप यहाँ से खा लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंह में छाले होते हैं, मुंह ड्राई हो सकता है, टंग से बास आ सकती है, उल्टे सीधे चीज़ें हो सकती है, गले से आपको निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पानी से निगलना, किसी को पानी से निगलने में प्रॉब्लम होती है, किसी को खाने में निगलने में प्रॉब्लम होती है, उन उस केस में
आपको थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। उसमें आपको फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, सॉरी एंडोस्कोपी करा के देखना पड़ेगा। और इसके नीचे क्या है, फिर फूड पाइप के निचले हिस्से में अगर बार बार एसिड रिफ्लक्स हो, बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, यानी वहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है नीचे, अगर वो स्फिंक्टर यानी फूड पाइप और पेट को बंद करने वाली जो बीच की डिवाइड करने वाली जगह मसल, वहाँ पे वीकनेस है, तो खाना यानी आपका एसिड ऊपर आएगा, और एसिड ऊपर आएगा तो हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न लिटरली जलन फील होती है। हार्ट बर्न अलग है, ब्लोटिंग अलग है, गैस्ट्राइटिस अलग है, राइट? ये तीनों पे वीडियो आएंगे अलग अलग, लेकिन हार्ट बर्न ये होगा जब ये GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ऊपर आ रहा है खाना आपका, कभी कभी रिफ्लक्स मुंह में भी आ जाता है खाना ज़्यादा खाते हैं तो। उसका इलाज वही है, कम खाना खाओ एक टाइम पे, है लेटो मत, झुको मत खाना खा के, राइट? ये जो वीक हो रही है, कई बार इसके साथ हायाटस हर्निया होता है कि स्टमक थोड़ा सा आपके डायफ्राम जो होता है उसके ऊपर आ रहा है, इसलिए ये हो रहा है। हायाटस हर्निया पे अलग वीडियो आएगा, डोंट वरी। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हायाटस हर्निया का मतलब कि स्टमक का एक हिस्सा आपके छाती में आ रहा है, पेट की जगह छाती में आ रहा है, इसलिए वो हिस्सा फैल सा गया है और इसलिए खाना आराम से ऊपर आ जाता है, वो हायाटस हर्निया होता है। वहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। स्टमक के ऊपर, स्टमक के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक के अंदर छाले हो सकते हैं, फूड पाइप में छाले हो सकते हैं, फूड पाइप में गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इरोजन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन सब के अलग अलग कारण है। फिर नीचे चले गए, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अल्सर्स हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लोटिंग हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वहाँ पर किसी जगह पे जो हम इसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज वहीं पर होता है, IBD, इन्फ्लामेटरी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वहीं पर होता है। तो ये सारी जगह पे वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके वजह से आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, कभी ब्लड भी आ सकता है लैट्रिन में, कभी उल्टी खून की आ सकती है, अगर यहाँ पर ब्लीडिंग हो जाए, यहाँ नसें सूज जाए, वेराइसिस हो जाए, राइट? फूड पाइप में, राइट? उसके बाद में आपको उल्टी, नौजिया, वॉमिटिंग, कहीं भी नीचे बंद हो जाए रास्ता, कॉन्स्टिपेशन आगे नीचे जा ही नहीं रहा तो उल्टी आएगी, राइट? उल्टी आ रही है, लैट्रिन नहीं आ रही, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, सीधी बात, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या एक्यूट, अगर वो हवा भी पास नहीं हो रही है, गैस भी नीचे से पास भी नहीं आ रही है, तो फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं? गैस को तो जगह जरा सी लगती है तो वो नहीं आ रही है तो दिक्कत, पेट में दर्द हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन हो तो, इन्फेक्शन हो, अल्सर हो, अल्सर आर पार निकल जाए, अल्फर अल्सर मान लो छेद कर सकता है कभी कभी स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वो डेंजरस, और डेंजरस है कि नहीं? ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, पेट में खूंखार दर्द हो सकता है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाए, पैनक्रियाटाइटिस में खूंखार दर्द होता है, गॉल ब्लैडर में खूंखार दर्द होता है, यहाँ पे राइट साइड में दर्द, पैनक्रियाज में बीच में दर्द, सीधा पीछे जाता है, यहाँ गॉल ब्लैडर का राइट साइड में दर्द होता है, राइट? बहुत सारी बीमारियां हैं पेट की जो आपको दिक्कत करती है, उसमें भी उल्टी आ सकती है, उसमें भी उबकाई आ सकती है, राइट? इन सारी लिटरली हर पेट की दिक्कत में आपको उल्टी उबकाई आ सकती है, स्वॉलिंग प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वेट गेन, वेट लॉस हो सकता है, अगर आप, वेट लॉस ज़्यादातर होता है अगर मान लो पाचन क्रिया खराब है तो खाना पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो वजन बढ़ेगा नहीं क्योंकि डाइजेशन सही नहीं होगा, राइट? ज़्यादा खा रहे हो तो वेट बढ़ जाएगा, B12 की कमी है तो प्रॉब्लम होता है, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, तो इतनी सारी दिक्कतें हैं। गॉल स्टोन हो जाए, गॉल गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए, गॉल गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें स्लज आ जाए, आप खाना स्किप करते हो, खाना बार बार स्किप करते हो, बार बार स्किप करते हो, गॉल ब्लैडर में स्लज आ जाता है, पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको नीचे से प्रॉब्लम, मान लीजिए नीचे हिमोरॉयड हो जाए, नीचे फिशर हो जाए, नीचे फिस्चुला हो जाए, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाए, प्रोक्टाइटिस हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम, इसोफेजियस में हमने स्ट्रिक्चर बता दिया एक आपका, बहुत सारे वहाँ पे स्पाजम्स हो जाते हैं, इसोफेजियल स्पाजम हो जाता है, फूड पाइप सिर्फ सिकुड़ जा रही है, सिकुड़ जा रही है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको पैनक्रियाज के अंदर एक गुब्बारा सा बन सकता है अगर पैनक्रियाज, पैनक्रियाटाइटिस, सूडोसिस्ट हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम हो तो भी पाचन में प्रॉब्लम आती है, लिवर, फैटी लिवर, फैटी लिवर के बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस, इनमें एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन में हमने आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बताया, सीलिएक डिजीज बताया, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, क्या है, इंटेस्टाइनल इस्चीमिया होता है, वहाँ जाने वाली खून की नस में प्रॉब्लम हो जाए। सो कितना सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि ये है कि वो है कि ये है कि वो है, उनके लिए टेस्ट होते हैं, अंदर देखना है जाके तो एंडोस्कोपी है, नीचे से डाला कोलोनोस्कोपी, ऊपर से डाला अपर GI एंडोस्कोपी, राइट? अपर GI के अलावा लिवर को देखना, गॉल ब्लैडर को देखना है, पेनक्रियास को देखना है, ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, MRCP होता है, ऐसे ही MRI से,
राइट, अल्ट्रासाउंड होता है, सिंपल अल्ट्रासाउंड तो करा ही सकते हो, अल्ट्रासाउंड करा के देख लो क्या दिक्कत है क्या नहीं है, राइट। कई ऑपरेशन आते हैं, कई चीज़ें आती हैं इसको देखने के लिए, लेकिन पेट की बीमारियों को जो सबसे अच्छे डॉक्टर देखते हैं वो है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट और पेट के सर्जन को कहते हैं गैस्ट्रो सर्जन। ये है बीमारी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपकी चीज़ों की। ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है पेट के। अब आपके सवाल लेना शुरू करते हैं। सवाल में हम पहले ऊपर जा रहे हैं, पहले 10 सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है हमारा रैपिड फायर में, राजेंद्र सिंह जी का, आई हैव कन्फ्यूजन, डज आर बॉडी स्टॉप मेकिंग डज आर बॉडी स्टॉप मेकिंग एंजाइम्स, स्टॉप मेकिंग एंजाइम इफ वी स्टार्ट टेकिंग इट एक्सटर्नली, एंड डू वी नो दैट आर बॉडी प्रोड्यूसिंग इनफ एंजाइम्स और नॉट। अब ये बताओ मुझे, आप इतनी सी एंजाइम तो चलो दूर की बात है, आप ऐसा सोच के बताओ, अगर आप अपने बच्चे को कार में भेजो, रोज कार में स्कूल भेजो, और एक दिन बोला ये ले बेटा साइकिल खुद जा, तो वो जाएगा, वो जाएगा नहीं जा पा, इवन आप नहीं जा पाओगे। अगर रोज कार में जा रहे हो, आज आपको स्कूटर में जाना पड़ा, तो आपको अजीब लगेगा, साइकिल छोड़ो, मेहनत छोड़ो। सो द पॉइंट इज, आपके बॉडी के सिस्टम भी ऐसा है, अगर कोई भी चीज एक्सटर्नली दोगे तो अंदर का सिस्टम स्लो हो ही जाएगा, कि बॉडी पागल तो है, चाहे एंजाइम हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे हॉर्मोन्स हो, बाहर से दोगे तो अंदर कम होगा, सिंपल। और सॉरी, कैसे पता करें इन्हें? अब ऐसा नहीं है कि कई साल कार चलाने के बाद साइकिल नहीं चला सकते, कई लोगों का मन में सही होता है, मन सही होता है, वो चला लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर विल, आपकी बॉडी में कितनी विल है, कितना आप चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी में वैसी कोई बीमारियां चल रही हैं तो अलग बात है, तो वो टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। होटल सर, हेल्थ कैसे बनाए, एनर्जेटिक रहने के लिए क्या करें? एनर्जेटिक रहने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, सिंपल खुश रहना पड़ता है, सही सोना, सही खाना, आइडियल हेल्थ वेज डाइट और कुछ नहीं। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल। हाउ टू गेट फैट ऑन फेस? फेस पे फैट के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, फेस पे फैट के लिए आपको एक्सरसाइज, स्माइल करना है। जब आप स्माइल करते हैं, अपने आप फेट पे फैस यानी फेस की मसल्स वैसी हो जाती हैं, और ऑब्वियसली फैट है तो फैट के लिए तो फैट खाना पड़ेगा, लेकिन पेट पे फैट ऐसा नहीं है कि फैट को मैं बोल सकता हूँ यहीं जमा हो, फैट पूरे बॉडी पे होगा। और एक्सरसाइज आप प्रॉपर करोगे तो मसल्स को थोड़ा सा कर सकते हो। पेट सवालों पर मैं अभी पहले 10 सवालों के जवाब दे के आऊँगा, उसके बाद मैं डाइजेशन पे सवाल लूँगा, ठीक है। सो पेट सवाल आ चुके हैं दो, मैं देख पा रहा हूँ। राइट, क्या है ये? बॉलीवुड, समोसे खाने के बाद पेट में जलन होती है, ऑब्वियसली गैस होती है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपके पेट में डाइजेशन का इश्यू हो सकता है। आप कृपया समोसे कम खाएं या ना खाएं, एक टाइम पे आधा समोसा खाएं या समोसे के साथ दूध पी लें, राइट। ऐसा कुछ करके आपको आराम से प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, या खाने के साथ मिला के समोसा खा लें, पता ही नहीं चलेगा आपको, यानी कम टाइम में कम खाना खाएं। बेसिक पॉइंट, गैस में आपका प्रॉब्लम अपर में है, या तो ईसोफे का फूड पाइप में है या स्टमक में है, वहाँ प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। नींद, स्लीपिंग ड्यूरिंग स्टडी, ट्रीट हॉरर ड्रीम्स। हॉरर ड्रीम्स के लिए अच्छी अच्छी बातें देखिए, हॉरर मूवीज देखना बंद करिए और टीवी सीरियल देखना बंद करिए, आज के डेट में टीवी सीरियल हॉरर हो चुके हैं, और क्या नाम है, कॉमेडी सीरियल, कॉमेडी चीज़ें देखिए, हॉरर ठीक हो जाएगा। हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग स्टडी, आप कार्बोहाइड्रेट्स से सिंपल दाल चावल, सॉरी चावल और रोटी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद करिए। आप हमारा वीडियो देखिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें 1 2 3 वाली खाना खाइए, और सिंपल चीज़ है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए जब भी खाइए, या प्रोटीन खाइए, नींद नहीं आएगी। डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बताओ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे आपके स्टमक में, आपके मुंह में जो एंजाइम है वो भी आपके सलाइवरी अमाइलेज हैं, पेट में भी डाइजेशन के लिए अमाइलेज लाइपेज बनते हैं आपके सॉरी आपके पेनक्रियाज और बाइल्स, ये दोनों में एंजाइम्स बन के आपके स्टमक में आते हैं, और वो जाके वहाँ पर आपके एंजाइम्स डाइजेशन करते हैं, राइट। सो इन एंजाइम्स का काम है स्टमक यानी ये जो खाना है उसको गलाना और प्रॉपरली उसको तोड़ना, या कोलेस्ट्रॉल को या फैट को तोड़ना, और कोई काम नहीं है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम तोड़ने में है, एब्जॉर्प्शन में नहीं है, इसीलिए आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ दिनों के लिए कई बार ले लो, लेकिन ज़िंदगी भर लेना पड़ रहा है तो आपको प्रॉब्लम है। कितने हो गए भी सवाल, एक बार सवाल पे नज़र मार लें, 1 2 3 4 5 6 7,
अच्छा माई जी जी टी, माई गामा जी टी इज 80। देखिए ऐसे नहीं बता सकते, एज यूजुअल आपको फुल बॉडी चेकअप देखना पड़ता है, शरीर को देख के पता चलता है कि ये बड़ा है तो कितना सिग्निफिकेंट है कितना नहीं, एक वैल्यू से बताया नहीं जा सकता, क्षमा करें आप फिजिशियन के पास जाएं, ठीक है। सर प्री एंड प्रोबायोटिक इज गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लीज टेल मी। इट इज गुड इफ यू टेक इट ऑन रेगुलर डाइट, ऐसा नहीं कि प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक आपको एक्स्ट्रा लेना चाहिए सबको, बीच में कभी कभी दही दूध, दही पनीर लस्सी छाछ होना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड, तो इसको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बोरॉन के बारे में अलग से वीडियो आएगा, कई लोग कहते हैं बोरॉन से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जी हाँ उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा नहीं अगर कमी हो तो। ऑलराइट, माय माय बोथ शोल्डर पेन्स, आई हैव डन ऑल थेरेपीज, आयुर्वेदिक एक्सरे एंड ऑल। शोल्डर पेन होता है, आयुर्वेदिक एक्सरे, क्षमा करिए इसको तो मैं देख के ही बता पाऊंगा, लेकिन आपसे मैं कहूँगा सब वापस अपने बेसिक्स पे जाइए, कैल्शियम, विटामिन डी, B12, डिहाइड्रेशन, ये चार चीज़ों को हमेशा ठीक करिए पहले। तो ये हो गए हमारे 10 सवाल। सॉरी, 24 साल की फीमेल जी पूछ रहे हैं, बिगिनिंग में वेट लॉस के लिए कितना वेट के डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए? बिगिनिंग में वेट लॉस के लिए 0 डंबल से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, अल्टीमेटली एक्सरसाइज करना चाहिए। जो लोग नहीं करते उनका वेट लॉस कम होता है, उनका भी हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन में, वेट लॉस में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट नहीं कम करोगे तो डंबल का कोई फायदा नहीं है, राइट। चलो अब डाइजेशन पे सवाल ले रहे हैं सारे लोग, जिनका डाइजेशन पे सवाल है वो नीचे डाइजेशन पे सवाल करें, राइट। फीमोसिस पे अलग से वीडियो आएगा, डोंट वरी। इम्यून सिस्टम पे वीडियो है, आप इम्यून सिस्टम बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करें, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब मैं जरा पेड सवाल को एड्रेस कर लूँ। यार गला ही क्यों खराब हो जाता मेरा, तब बोलता भी तो बहुत सारा हूँ, है ना। सुपर चैट में 2 सवाल आ चुके हैं, एक है हमारे पास सवाल, व्हाई IBSD पेशेंट्स गेट हाई कोलेस्ट्रॉल, आई हैव सीन इन मैनी पेशेंट्स। सी, IBSD पेशेंट्स में मैल एब्जॉर्प्शन होता है, सो इट्स मोस्ट पॉसिबली, ऐसा कोई रिलेशनशिप मेरे लाइफ में तो नहीं आया क्वाइट फ्रैंकली, लेकिन ये बात याद रखिए जितने IBS वाले सिम्टम होते हैं, IBS इरिटेबल, या सॉरी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये स्ट्रेस से रिलेटेड है और स्ट्रेस ओवर ईटिंग से रिलेटेड है, तो जितने लोग स्ट्रेस्ड होते हैं वो टेंड, उनका प्रिडोमिनेंस हो जाता है कि कई बार वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कई बार वो ज़्यादा मलाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, इसीलिए कई बार उनके कोलेस्ट्रॉल या तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, इसलिए IBSD हो या IBS ही हो, कई ऐसे IBS वाले या एब्जॉर्प्शन वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स का आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल सकता है, और खासकर अगर वो मोटे हों, डाइट अच्छी ना हो तो, राइट। सेकंड पेड सवाल, सर गॉल ब्लैडर पॉलिप्स ऑफ 4 mm एंड 3 mm, डॉक्टर सेड इफ इट ग्रोज टू 10 mm देन आई नीड टू रिमूव गॉल ब्लैडर, इज इट ट्रू, समथिंग एल्स कैन बी डन? ऑब्वियसली ही इज गुड एंड ही इज राइट, एटलीस्ट पहला डॉक्टर मैंने देखा, दूसरा मेरे अलावा जो कह रहा है भी 3-4 mm का स्टोन नहीं निकालना, वरना तो स्टोन देख के लोग निकालने शुरू कर देते हैं, तो अच्छी बात है। देखिए 5-10 mm का होता है तो उसके आगे चल के रिस्क बढ़ जाता है आपको गॉल ब्लैडर कैंसर होने का, दिक्कत होने का, इसीलिए सर्जरी का ऑप्शन रखना पड़ता है, लेकिन अगर पेन नहीं हो रहा तब तक आप सर्जरी मत कराएं, और उसके लिए दवा है, दवा मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताई हुई है, गॉल ब्लैडर बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करें, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको वीडियो सारे को देखो, सारे वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है, ओके। सॉरी, गौरव जी पूछ रहे हैं, LFT टेस्ट में AST 114 है, ALT 49 है, आया है, व्हाट इज दिस, प्लीज टेल मी। देखिए आपके लिवर के एंजाइम है, लिवर के एंजाइम स्टमक के अंदर नहीं, स्टमक से जो भी चीज एब्जॉर्ब होकर खून में आती है, अब खून में आने के बाद लिवर के एंजाइम्स काम करते हैं कि खून में आने के बाद उसमें ढूंढे और खराब आदमी ठीक करो, ठीक करो, तो कोई भी टॉक्सिक चीजें वहां वो ठीक करते हैं। तो अगर कोई भी आप बहुत उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, जिसमें मान लीजिए ट्रांस फैट, उल्टे सीधे फैट्स, उल्टी सीधी चीजें हैं, तो ये लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए रहेंगे थोड़े बहुत, इसलिए आपको अपने डाइट को अगेन ठीक करना है, लिवर में चेक करना है कि लिवर में कोई हेपेटाइटिस तो नहीं है, नॉर्मली हेपेटाइटिस एक्यूट हो तो उसमें हज़ारों में जाती है वैल्यू, 100-200, या तो हीलिंग फेज में आती है जब ठीक हो रहा है तब आती है, या फिर थोड़ा बहुत टेंशन है, कोई दारू पीता है, कोई बहुत पीता है, कोई बहुत उल्टा सीधा खाता है, उनमें भी आ सकती है, तो हज़ारों कारण हो सकते हैं लिवर पे इन एंजाइम्स के बढ़ने के, ये अल्टीमेटली आपकी लाइफस्टाइल को देख के हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आपके केस में क्या कारण है, ओके, और उसको ठीक करना पड़ता है। प्रताप राज, सर वीकनेस बहुत लग रही, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, डाइजेशन सही नहीं रहता, हैंड्स एंड लेग में नमनेस भी रहती है, ब्रेन फॉग। भाई साहब आपको क्लियर कट
ये चारों चीज़ें हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, प्लेन सिंपल विटामिन डी B12 डिफिशियंसी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा गैस की गोलियां खाते हो तो भी B12 डिफिशियंसी हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं पेट में, IBS IBD इन दोनों में से चीज़ें हो सकती है। आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, आप एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराओ तब जाके आपका ठीक होगा। और लिटरली ये सब पॉइंट जो हमने बताया उसको फॉलो करके उसको ठीक करो। ये हुई बात, अब बात करते हैं प्लेन सिंपल डाइजेशन की। अब जितने भी सवाल आए कृपया सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन पे आए। अब आप ऐसा करिए, नीचे से मैं लाइव चैट नीचे से मैं ले रहा हूँ, आप डाइजेशन के सवाल पूछना शुरू करिए, ठीक है? नीचे से जिसके ऊपर डाल दिया फिर से डाल दो नीचे, कोई बात नहीं। सर, हाउ टू क्योर एसिड रिफ्लक्स एंड बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट? एसिड रिफ्लक्स बर्निंग सेंसेशन के लिए लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर खराब है, आप एक टाइम पे कम खाना खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, अच्छे से सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए है, मैं लंबा धीरे धीरे नहीं बोलूंगा, मैं जल्दी से बोलूंगा, राइट? स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, खाना खाने के बाद में पानी 1 से 2 घंटे तक नहीं पीना, 1 घंटा पहले पीना, 1 2 घंटे बाद पीना, झुकना नहीं, लेटना नहीं 1 से 2 घंटा, इतना करो। साथ में एक बार में कम खाओ, हर 4 6 घंटे में खाना खाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? डाइजेशन के ऊपर सुपर चैट यही तो है, डाइजेशन के ऊपर ही सुपर चैट है। पीनट बटर सेफ है उसका फैट, पीनट बटर का इसके लिए सेफ है, पीनट बटर सेफ है उसका फैट अच्छा है। क्रोन्स डिजीज है, मुझे खाना हजम नहीं होता। आपको क्रोन्स डिजीज में एक डायरी बनानी होगी जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कौन से खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन से खाने से थोड़ी प्रॉब्लम, कौन से खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम। 0 to 10 ग्रेड दीजिए, जो 0 to 5 में आएगा, जो कम में आएगा, वही खाने से अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करिए। क्रोन्स डिजीज के साथ ऐसे जीना पड़ता है, हर खाना नहीं खा पाओगे आप क्रोन्स डिजीज में। ऑलराइट, क्रोन्स डिजीज का मेरा डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, आप देखो वहाँ पे, क्रोन्स डिजीज बाय डॉक्टर एजुकेशन। ऑलराइट नजरीन जी, ऑलराइट सर, पेट खराब रहने का कभी कभी सही? सर, पेट कभी कभी खराब रहता, अगेन ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, कभी बार ये पानी की कमी से होता है, कई बार ये किसी और प्रॉब्लम से होता है। अभी मैं नहीं कह पाऊंगा कि क्यों पेट कभी खराब कभी सही रहता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। डाइजेशन सर, हैवी फूड जैसा चिकन एग मसालेदार एक्सेट्रा जिस दिन भी खाता हूँ उस दिन बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है। आपको अगेन ऐसी चीज़ों के साथ याद रखिए कि बॉडी को आदत नहीं होती है, तो नया टाइप का नेट नई जगह से खाना खाओगे तो दिक्कत होगी। आप इसको लाइट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर दो, इसको कम क्वांटिटी में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल्क इज़ वेरी गुड एवरी नाइट, मिल्क में कोई डाउट नहीं है, मिल्क प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके मसल्स को बचाने के लिए। तभी इतने साल हो गए हमने चेस्ट की मसल्स की एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन आज भी हमारी चेस्ट हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी मसल्स बचा के रखते हैं, टंग 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 टंग, ठीक है? ऐसा है। क्या है सर, एन की सुपर चैट आंसर नहीं किया मैंने? सुपर चैट आंसर तो किया सारे कि नहीं किया, एक बार देख लूं। व्हाट एल्स कैन बी डन? आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी एन के जी, गॉल ब्लैडर के लिए मैंने बता तो दिया। आपका यूरोडियोक्सिकोलिक एसिड 300 मिलीग्राम दिन में 2 बार कम से कम, या 450 मिलीग्राम दिन में 2 बार, या 300 दिन में 3 बार आपको खानी पड़ेगी लंबे समय, उसी से ठीक होगा ये। वो दवा खा के, वो दवा मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ, आप कहाँ मसरूफ हो। नेवल पेन एट टाइम आफ्टर ड्रिंकिंग टी एंड ऑल, ये प्ले पेन नहीं है, ब्लोटिंग जैसी चीज़ हो सकती है, या गैस्ट्राइटिस अल्सर्स हो सकते हैं पेट में। अगेन आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने विटामिन B12 कंटेंट में। पैकेज मिल हाई इन इस्ट्रोजन? नो, इट्स रॉन्ग, गलत कॉन्सेप्ट, राइट? आई हैव आस्क्ड 2 सुपर चैट्स। अच्छा, मुझे तो एक ही दिखा यार, एक ये है उसके नीचे का दूसरा कहाँ गया? क्षमा करिए, मुझे दूसरा दिख नहीं रहा है एन के जी। आई एन ओनली सी सुपर चैट्स, 1 2 3 4 5 सुपर चैट्स ऑफ 5 डिफरेंट पीपल, आपके 2 सुपर चैट नहीं दिख रहे हैं, दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे जवाब दूं, राइट? आई हैव अ डाइजेशन इश्यू, यश जी पूछ रहे हैं, वाइल कंज्यूमिंग पाउडर प्रोटीन बट आई कैंट स्टॉप बिकॉज आई लव वर्किंग आउट, प्लीज हेल्प सर, इस मेजर इशू। भाई साहब, जितना पाउडर से प्रोटीन आता है आपको, 30 ग्राम 60 ग्राम है, उतना आप दूध या दही पनीर लस्सी छाछ ले लो, या फिर आप चिकन ले लो, बहुत आसान है। साइंस ऑफ न्यूट्रिशन देखो एक बार, आप जैसे लोगों के लिए बना है साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और राइट, कोलाइटिस पे अलग से वीडियो है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का जाके वीडियो देखो। लैक्टोस इंटॉलरेंस के लिए कोई रेमिडी नहीं है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा आप एक्चुअली लैक्टोस इंटॉलरेंस है या नहीं। कभी कभी टेम्पररीली किसी और बीमारी हो जाने से लैक्टोस इंटॉलरेंस हो जाता है टेम्पररी, सो आपको
दूसरी बीमारियों के लिए चेक करना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या दूसरी प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाएगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है वो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, राइट। GERD पीपल इफ PPI आर नॉट टेकन, चांसेस ऑफ इसोफेजाइटिस बिल्कुल रहेगा, इसोफे डिस्प्लेजिया बिल्कुल रहेगा, फाइनली मेजिलेंसी का चांसेस रहेगा। इसीलिए आपको PPI की लेने की जगह लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले भाई साहब को बताया, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट वाला जो मैंने थोड़ा बताया था, उसको आप भी फॉलो करिए, मिस्टर मरियम खान, ठीक है। यश जी, ओके, नमस्ते। वीट की रोटी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है क्या? तो एक दिन कितनी रोटी खाना चाहिए? वीट की रोटी डाइजेशन के लिए अच्छी, देखिए रोटी डाइजेशन के लिए अच्छी, ये तो वही बात होगी ना कि डाइजेशन के लिए कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, वो चीज़ अच्छी होती है जो एक दूसरे पर डालोगे दूसरी गलेगी। जैसे अगर आप रोटी के ऊपर नींबू निचोड़ोगे तो रोटी सॉफ्ट हो जाएगी, है ना, रोटी सॉफ्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? सेम थिंग, क्योंकि नींबू इज एक एसिड, वो रोटी गलाएगा, तो नींबू अच्छा है डाइजेशन के लिए। सेम चीज गोज विद एप्पल साइडर विनेगर, राइट, सेम थिंग गोज विद दैट, तो वो डाइजेशन के लिए अच्छे हैं और शरीर के लिए और कोई खास चीज़ नहीं करते, राइट। फैट लॉस कैसे करें, अलग से वीडियो है उसके ऊपर, हाउ टू ट्रीट डाइजेशन, हैवी मेटल फाउंड इन वे, मिलावट, प्योर वे में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए डाइजेशन में। एलोवेरा, एलोवेरा इज नॉट, इज गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट समथिंग विच, ऑब्वियसली देखिए आपके एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं, तो एलोवेरा लेना अच्छा है। तो अगर आपको डाइजेशन में कोई इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो थोड़ा बहुत एलोवेरा भी हेल्प करेगा, नो डाउट। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हर हर बंदा एलोवेरा लेगा तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, एलोवेरा कुछ नहीं करेगा। देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ में नॉन वेज ले सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगेन आपको डायरी मेंटेन करनी है, उसमें क्रॉन्स डिजीज़ में नॉन वेज कहाँ आता है आपके केस में, वो देखना पड़ेगा, राइट। लिखो लिखो, नीचे लिखते जाओ। गैट सर, क्या है, डार्क करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ तो गैस पास होता है, पेट साफ और पेट साफ आता है, ड्रिंक करता हूँ तो गैस, ये आदत की बात है भैया, पानी पियो ज़्यादा और फाइबर खाओ, ठीक हो जाएगा। कई लोगों को यही दिक्कत है, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तब ही होता है, ऐसा नहीं होता, सब बकवास है, सब बकवास, यानी सब दिमाग के खेल है, ये दिमाग को हो चुका है और कुछ ना है। और जयंता जी ने पेट सवाल पूछा है, डज आइसक्रीम एंड कोल्ड वाटर एक्ट एज हॉट एज हॉट आफ्टर टेकिंग? देखिए इट्स नॉट हॉट एंड कोल्ड इन द बॉडी, नथिंग एक्ट्स लाइक, टेम्परेचर नहीं चेंज करता आपकी बॉडी का कोई भी ऐसी चीज़ें। हाँ ये है कि जब आप कोल्ड वाटर लेते हो तो वो हॉट कैसे कर देगा आपके शरीर को, दैट्स रॉन्ग। शरीर को आइसक्रीम लेते हो आपको लगता है वो गर्म करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरीके से लिखा गया है कहीं पर, लेकिन इसका कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि मैंने किसी को बोला एक काम कर बेटा जा आइसक्रीम खा ले, एक काम कर बेटा ये कर ले, ये ट्रीटमेंट है, वो कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, वो बोल दिया, किसी ने बोल दिया, उसको कोई प्रूव नहीं कर सकता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो कहने वाली बात है, वो ऐसी चीज़ है, राइट। ऐसी कोई चीज़ को प्रूव नहीं किया जा सकता, अगेन टेलिंग यू दैट। ऑलराइट, लाइव सवाल, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोगों के सवाल स्किप हो रहे हैं, इसलिए आप नीचे अपना सवाल लिखते जाइए, डाइजेशन लिख के। डाइजेशन सर, कैप्सूल एंडोस्कोपी क्या है, क्या इसको करवाने के बाद कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत रहती है, क्या कॉस्ट है? कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, बट कैप्सूल एंडोस्कोपी का मतलब कि एक दूरबीन वाला छोटा सा कैप्सूल में कैमरा होता है, वो आपको खिलाया जाता है, निगल लेते हो आप, वो एंडोस्कोपी कैप्सूल जहाँ जहाँ जाता है वो उतने घंटे, कुछ घंटों के बाद, 3 घंटे, 6 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, अगले दिन आपके लैट्रिन में निकल जाता है, और वो वहाँ से निकल जाता है, उसको फिर कलेक्ट करके उसको फिर स्टडी किया जा सकता है, और वो क्या कर सकता है, ऊपर से नीचे तक सारी जगह की फोटो खींच लेता है। उसके उसको करने के बाद कोलोनोस्कोपी या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत के चांसेस कम हो जाते हैं, कम। लेकिन अगर मान लो उसको करने के बाद कुछ एकदम खतरनाक सा दिख गया, तब आपको कोलोनोस्कोपी करनी पड़ेगी ना अंदर से सैंपल लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो तो वैसा नहीं हो। ओके, गुड, लिखते जा रहे हैं लोग, वेरी गुड, राइट। एलोवेरा गुड फॉर डाइजेशन एंड विलाई क्लीनिंग? क्लीनिंग नो, डाइजेशन मे बी, नो नॉट इवन फॉर डाइजेशन, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ का मतलब अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक करेगा, तब डाइजेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, डाइजेशन नहीं ठीक करता वो। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या भाई साहब? एडवर्टाइजमेंट जरा एक बार वो naptol.com या दूसरे .com खोल के देखो, हाथ जोड़ोगे, एडवर्टाइजमेंट क्या क्लेम करती है? तो डॉक्टर से ये बात मत करो कि एडवर्टाइजमेंट क्या क्लेम करती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल कुछ भी बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी बोल सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा करोगे तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, मूर्ख लिटरली बोल रहा हूं। डाइजेशन की दवाई लेनी चाहिए क्या आयुर्वेदिक, आप बताओ। डाइजेशन की दवाई देखिए नॉर्मल चीज़ है,
अगर आप डाइजेशन की दवा ले रहे हो तो जो मेन चीज दुनिया में करने को आए हो, फिर वो क्या कर रहे हो आप? खाने खाने का, और खाना ही तो एनर्जी है, तो जिंदगी भर क्या डाइजेशन की दवा लोगे? कुछ दिन के लिए ले सकते हैं अगर आपको एक्चुअल बीमारी है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिना दवा के डाइजेशन सही चले, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके बगैर आपका इलाज पूरा नहीं है, समझ रहे हो? ये चीज है। क्रिएटिन वेट लॉस के टाइम ले सकते हैं, डाइजेशन विच एंड विच एक्सरसाइज इज गुड, एवरी एक्सरसाइज इज गुड फॉर डाइजेशन, एवरी एक्सरसाइज इज गुड फॉर डाइजेशन, ऑल यू नीड टू डू इज एक्सरसाइज, राइट? ऑल इट नीड्स इज स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, एक टाइम पे थोड़ा कम खाएं। अजवाइन खाना अच्छा है क्या? जी देखो, अजवाइन से गैस कम होती है, तो ऊपर की गैस कम होगी इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंटेस्टाइन में हर बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। लोग कहने के लिए ऐसी चीज़ें बना के आपको यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, अजवाइन इज गुड टू टेक रेगुलरली, खाने पीने में चाय में अजवाइन डाल के पियो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट अपना देखो, कोई जादू मंत्र नहीं है, इसलिए ये याद रखना। इसलिए अगेन, एडवर्टाइजमेंट और यूट्यूब वीडियोज पर भरोसा मत किया करो। वेट लॉस टिप्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाइजेशन के लिए, डाइजेशन डाइट चार्ट कैसे बनाना है, सुपर। उसके लिए डाइट साइंस ऑफ सप्लीमेंट, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वीडियो देखिए यूट्यूब चैनल पे। SGOT SGPT के लिए टेंशन ना लें, डाइट चार्ट सिंपल डैश डाइट फॉलो करें, या सिंपल वेजिटेबल्स फ्रूट्स बढ़ा दें, वो ठीक हो जाएगा। पेट सवाल एक और आया है, कमर चंका ये क्या चीज है? कमर क्या है? कमर कमर चंका, नचका, होम रेमेडी सर, दो सिर्फ 2 दिन से है यार। आई हैव नो आइडिया व्हाट कमर चंका इज, कमर चंका या नचका, व्हाट इज दैट? आई हैव नो। या आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो मसाज करा लीजिए, पेन किलर यानी कोई जीरोडॉल MR, फ्लेक्सोन MR ले लीजिए, या सिंपल वोलिनी जेल लगा लीजिए, पानी पी लीजिए, हो सकता है विटामिन की कमी हो, विटामिन डी या B12। अब यही इतना ही समझ आ रही है, इससे तो और कुछ नहीं समझ आ रहा। डाइजेशन सर, आई यूज टू वर्क 8 to 10 आवर्स सिटिंग जॉब, डाइजेशन डिस्टर्ब, लिपो ड क्या है, लिपिडोग्राम ऑलवेज, हाउ टू हैंडल एक्सप्लेन मी रूटीन लाइफ स्टाइल। आपका 8 से 10 घंटे डाइजेशन डिस्टर्ब, देखिए 8 से 10 घंटे बैठने की क्या जरूरत है, थक नहीं जाते हो यार? थिएटर में भी बैठो, 1.5 घंटे में उठ के जाके घूम के आते हो ना, तो आप एक जगह पे क्यों बैठते हो? 1 घंटे 2 घंटे के बाद खड़े होके घूम के आओ, एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ के आओ, किसने मना किया है? मुझे समझ नहीं आती है। आप कहते हो मेरी लाइफ में 8 घंटे 10 घंटे सिटिंग है, करो ना सिटिंग, लेकिन बीच में 5 मिनट की गैप लेने में क्या जाता है? 5 मिनट की गैप नहीं ले सकते हो, हर 2 घंटे में उठ के जाओ, घूमो फिरो, फिर कुछ भी खाओ, आप सही मात्रा में सही खाना खाओ, आइडियल वेज डाइट खाओ। खाने में क्या खाना है, सिंपल सी चीज़ें जितने लोग पूछ रहे, क्या खाना है क्या खाना है, आइडियल वेज डाइट होती क्या है, उस पर वीडियो भी है मेरा। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स, थोड़े से फ्रूट्स, राइट, होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन्स, राइट। होल ग्रेन्स कौन से खाने हैं अपना? पूरा पूरा अनाज खाओ, प्रोसेस्ड चीज मत खाओ, दालें खाओ, प्रोटीन में चाहे वेज हो तो दालें खा लो, पीनट खा लो, सोया खा लो, पनीर खा लो, नॉन वेज हो चिकन खा लो, मीट खा लो, अंडे खा लो, फिश खा लो, दूध दही पनीर लस्सी छाछ जरूर खाओ, विटामिन B12 के लिए दिन में, राइट। वेजिटेबल दबा के खाओ, फ्रूट दबा के खाओ, एक भी चीज नहीं खा रहे हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स, आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद प्रॉब्लम होगी, राइट? दिस इज हाउ थिंग्स गो। बहुत सारे सवाल हैं इस पे, मैं समझता हूँ, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, राइट? और फिर से जा रहे हैं, अगेन फेस फैट रिड्यूस करना है, लोकलाइज फैट लॉस नहीं होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म गुड फॉर फास्ट मेटाबॉलिज्म वाला मेरा वीडियो देखो जाके, मेटाबॉलिज्म बाय डॉक्टर एजुकेशन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। आधे लोगों को मेटाबॉलिज्म ही पूरा एडवर्टाइजमेंट ने गलत बता रखा है, हर आधे घंटे बाद भूख लगती है, बहुत अच्छी चीज़ है। सलाद खाओ, गाजर मूली लेके हाथ में चलो, आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है, जिनको भूख लगती है सलाद दबा के खाओ भाई, सब कुछ ठीक होता जाएगा। डाइजेशन, मैं सर मैं थोड़ा सा भी खाना खाता हूँ तो लगता है कि बहुत खा लिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है सो सिंपल ब्लोटिंग प्रॉब्लम है, खाना कम खाओ, आप खाने के 1 घंटा 2 घंटा पहले पानी पियो और सलाद खाओ, सलाद खाओ, आयुर्वेदिक पूरा हर्ब लाइक गार्लिक, ब्रह्मी, हरमा, हिमालय फॉर किडनीज। जी नहीं, किडनीज को कोई चीज़ ठीक नहीं करती, अगर किडनी डैमेज हो गई है तो हो गई है, 80% किडनी या लिवर एक बार डैमेज हो जाए उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती। किडनी को कैसे डैमेज होता है वो आके आप अपने किडनी और लिवर वाले वीडियोस में देखिए, उसमें ऑलरेडी बना रखा है मैंने।
जी फ्रूट्स मील के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं, कायदे से ले सकते हैं अगर आप खाना कम खा रहे हैं। लेकिन अगर आप खाने में रोटी भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो रहे हो, तो फ्रूट ज़्यादा एक साथ नहीं लेने चाहिए। फ्रूट्स अलग से लो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन खाने के साथ भी ले सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। डिपेंड करता है आपके खाने में क्वांटिटी कितनी है, बात समझे। डाइजेशन फास्ट बूट, फास्ट बूट करने के बाद पेट में अजीब, फास्ट बूट क्या होता है, फास्ट बूट, फास्ट फूड, फास्ट बूट कौन लिखता है, फास्ट बूट, फास्ट फूड खाने के बाद पेट में अजीब लगता है, बिकॉज वो अच्छे खाने नहीं है। आपके खाने, आपके लोग, आपका पेट आपको कह रहा है भैया ना खाओ ना खाओ, अब बहुत हो गया तो ना खाओ। फास्ट फूड खाना है तो ये खाना खाओ, कभी कभार खाओ, वरना मत खाओ। स्टमक हेल्दी रखने के टिप्स अभी मैंने बताए, 5 चीज़ें, वो खाना खाइए। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस पे अलग वीडियो, एक्सरसाइज करो। सर डेली ड्रिंक करने से पेट में पेन हो गया, बिल्कुल होगा, कौन सा टेस्ट कराओ, लिवर फंक्शन कराओ, लिवर फाइब्रो स्कैन कराओ और अमाइलेज लाइपेस कराओ। सर लिंग मोटा, हट, लिंग का, लिंग के सवाल नहीं है यहाँ पे, गलत जगह गलत सवाल नहीं, डाइजेशन डाइजेशन ओनली। वीक डाइजेशन विद डायबिटीज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन डाइजेशन में, डायबिटीज में आपका डायबिटीज कंट्रोल करना, वजन कंट्रोल करना पहला ऑब्जेक्टिव है, तभी ये ठीक होगा। उसके लिए डायबिटीज के वीडियो देखिए आप, राइट। सो बहुत सारे वीडियोस हो गए, सबका हो गए, अब चलता हूँ दोस्तों, खाने का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच, बहुत सारे सवाल बताए मुझे। नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना है उसके लिए लाइव वोटिंग करिएगा, और कल मिलता हूँ आपसे फिर एक बार। आज का वीडियो ज़रूर देखना है, कान कैसे साफ करना है और उसको शेयर करते रहना है, ओके। शेयर जिसने नहीं किया चलो छोड़ कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच।